दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाजपा में 90 सीटों के नाम तय करने के लिए युद्ध स्तर पर भाजपा हाईकमान की बैठकें चल रही हैं और इसमें तो दो राय नहीं है कि आने वाले सप्ताह में 90 की 90 सीटों पर भाजपा हाईकमान अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगा। लेकिन दोस्तों, जो मेरा आज का मुद्दा ये है कि एक लिस्ट लगभग 45 उम्मीदवारों की सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर चल रही है, प्रसारित हो रही है, दिखाई जा रही है कि 45 लोगों के ये नाम फाइनल हो चुके हैं और ये वो 45 लोग हैं। उनको कुछ लोग संभावित भी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये ही लिस्ट फाइनल है जो मीडिया में चल रही है और ये सारा मीडिया लगभग दिखा रहा है। तो इस पर आज हमने कुछ लोगों से की बातचीत की, कुछ संभावित उम्मीदवारों से भी बातचीत की और भाजपा के कुछ नेताओं से बात की और इन सबको मिलाकर जो उसका सार निकला, लबो लुभाव निकला, वो ये है कि जो ये 45 लोगों की लिस्ट मीडिया में दिखाई जा रही है या समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, ये लिस्ट अंतिम नहीं है और ये फाइनल नहीं है। और यदि हम भाजपा सूत्रों की मत तो ये लिस्ट भाजपा हाईकमान ने जानबूझकर जारी की है और इसको अंतिम भी नहीं माना है, इस पर ठप्पा भी नहीं लगाया है। तो जो हमें पता चला है हमारे सूत्रों से कि ये जो नाम 45 गिनाए जा रहे हैं तो भाजपा हाईकमान इन नामों पर जनता की प्रतिक्रिया जानना चाहता है, उनका रिएक्शन जानना चाहता है कि जो 45 नाम दिए गए हैं इनमें किसका विरोध हो रहा है, किसका ज़्यादा विरोध हो रहा है, किसका कम विरोध हो रहा है। यदि जिस भी उम्मीदवार के खिलाफ जनता का रिएक्शन या भाजपा नेताओं का रिएक्शन या भाजपा कार्यकर्ताओं का रिएक्शन अगेंस्ट गया, यानी जिस उम्मीदवार के खिलाफ भाजपा समर्थक, भाजपा कार्यकर्ता उसका कैंडिडेट का विरोध करते नजर आए तो उसको बदला जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है जो भाजपा सूत्र बता रहे हैं कि 45 लोगों की लिस्ट अंतिम नहीं है और सिर्फ हाईकमान ने लोगों का रिएक्शन जानने के लिए जारी की है। अंतिम लिस्ट तो जब आएगी तो जरूरी नहीं है ये 45 के 45 नाम उस लिस्ट में दिखाई दें। तो दोस्तों, ये लीक से हटकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो भाजपा सूत्रों से ही हमें मिली है कि जो 45 लोगों की लिस्ट है वो अंतिम नहीं है और उसमें कभी भी, मतलब आने वाले दिनों में जब फाइनल लिस्ट आएगी, काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। अब कितने बदलाव होंगे, कितने नहीं होंगे, या वो 45 के 45 रहेंगे या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जनता का रिएक्शन जानने के लिए ये लिस्ट जारी की गई है, ये तो अगले 2-4 दिन में ही पता चलने वाला है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए
मुद्दे पर नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।